आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आज इसको और डिटेल में अध्ययन करते हैं। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के दोनों पोस्टुलेट्स के अनुरूप एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील तंत्रों पर का परस्पर संबंध व्यक्त करने वाले समीकरणों को सर्वप्रथम लॉरेंज ने प्राप्त किया, इसीलिए इसे लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं, लॉरेंज रूपांतरण इक्वेशंस। माना कि दो फ्रेम एस और एस डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं। निर्देश तंत्र एस डैश नियत वेग वी से तंत्र एस के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में गति कर रहा है। दोनों तंत्रों के वाई और जेड एक्स परस्पर समानांतर हैं। दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु ओ और ओ डैश पर स्थित प्रेक्षकों के लिए टी और टी डैश किसी घटना के प्रेक्षित होने का समय है। सुविधा के लिए मानते हैं कि दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु ओ व ओ डैश परस्पर कोइंसाइड करते हैं, संपाती होते हैं, जब दोनों प्रेक्षकों की घड़ियां शून्य समय बताती है, अर्थात टी बराबर टी डैश बराबर जीरो, ओ तथा ओ डैश संपाती हैं, यानी कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों फ्रेम के ओरिजिन। मान लीजिए किसी बिंदु के निर्देशांक निर्देश तंत्र एस व एस डैश में एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। लॉरेंज रूपांतरण से एक्स वाई जेड टी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी में संबंध स्थापित करते हैं। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में क्या करते हैं, दो फ्रेम हैं एस और एस डैश, इनर्शियल फ्रेम हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स और उनके टाइम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। ये देखिए चित्र में बता रखा, एस फ्रेम एस डैश फ्रेम, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एस फ्रेम के अंदर एक्स वाई जेड टी है, एस डैश फ्रेम में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी है और एस डैश फ्रेम कॉन्स्टेंट वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि t बराबर जीरो पर मूल बिंदु से एक क्षण फ्लश उत्सर्जित होता है, जिससे आकाश के O के चारों ओर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रकाश वेग c से फैलता है। रिलेटिविटी के प्रथम पोस्टुलेट्स के अनुसार तंत्र s डैश के सापेक्ष भी यह स्पंदन O के चारों ओर समान वेग c से गोलाकार तरंगाग्र के रूप में प्रगति करता हुआ प्रतीत होता है। अतः यदि प्रेक्षक ओ द्वारा गोलीय तरंगाग्र को किसी बिंदु पी जिसके की स्थिति निर्देशांक जिसके पोजीशन कोऑर्डिनेट बता रखे हैं एस तंत्र में एक्स वाई जेड है पर पहुंचने में लगा समय कितना होगा, टी बराबर ओ पी बाय सी। ओ पी आपको दिखाई दे रहा, ये आपका ओ पी, यहाँ हम लाइट की वेलोसिटी की बात करें तो डिवाइडेड बाय सी कर दिया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी आपके पास टाइम दे रहा है। इससे क्या इक्वेशन बनी हमारे पास, इसका स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर जीरो, इट इज़ इक्वेशन नंबर वन। इसी प्रकार यदि प्रेक्षक ओ डैश गोलीय तरंगाग्र को बिंदु पी पर पहुंचने में लगा समय नापता है तो एस डैश तंत्र में क्षण दीप्ति को पी पर पहुंचने पर लगा समय टी डैश बराबर ओ डैश पी बाय सी, ये देखिए ओ डैश पी ये डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय सी। एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर का पावर हाफ इज ओ डैश पी डिवाइडेड बाय सी, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए तो आपके पास इक्वेशन बनती है टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ x डैश y डैश z डैश तंत्र s के बिंदु p के स्थिति निर्देशांक हैं, चूँकि एक ही बिंदु p के लिए समीकरण एक और दो वैलिड है। बिंदु p के लिए वन इक्वेशन भी और टू इक्वेशन भी दोनों वैलिड है, इसीलिए इक्वेशन एक तथा दो का परस्पर रूपांतरण एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में हो जाना चाहिए। अतः जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर का मान अचर रहता है, अर्थात एक घटना के लिए एस तंत्र में निर्देशांक एक्स वाई जेड टी, एस डैश तंत्र में निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश
रूपांतरण इस प्रकार से होने चाहिए कि समीकरण एक तथा दो सदैव वैलिड रहे। निम्न गैलीलियन रूपांतरण सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के निर्देशांक के संबंध को व्यक्त करता है। x डैश बराबर x माइनस वी टी, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z, t डैश बराबर t। ये कहाँ पढ़ा हमने? ये हमने गैलीलियन रूपांतरण में पढ़ा। ये गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। समीकरण सर्वप्रथम गैलीलियन रूपांतरण की विधता को उपरोक्त प्रकार के निकाय के लिए ज्ञात करेंगे। समीकरण तीन को दो में रखने पर, ये इक्वेशन तीन आपको दिखाई दे रही है, इसे इक्वेशन टू में सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो जब आपने सब्सिट्यूट किया तो एक्स डैश स्क्वायर था, एक्स डैश स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, प्लस वाई डैश स्क्वायर था, वाई डैश यानी वाई स्क्वायर, प्लस जेड डैश स्क्वायर था, प्लस जेड स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन को आप खोल लीजिए, इस स्क्वायर को आप खोल लें तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर जीरो। इट इज़ इक्वेशन नंबर फोर। उपरोक्त समीकरण में ये जो टर्म आ रही है आपके पास माइनस टू एक्स वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, एक एडिशनल टर्म आ रही है। बाकी तो आपने देखा कि x डैश के कोऑर्डिनेट्स हमने x के साथ रिलेट किए, तो ये इनवेरियंस टर्म हो जाती अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर हो जाता। लेकिन एक अतिरिक्त टर्म यहाँ देखने को मिल रही है माइनस टू एक्स वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये अतिरिक्त टर्म के कारण समीकरण एक के समतुल्य नहीं है। अतः इस प्रकार निर्देश तंत्र जिनके प्रकाश जिसमें प्रकाश का वेग अचर माना जाता है, यहाँ क्या करा हमने सी को कांस्टेंट लिया है। अगर हम सी को कांस्टेंट लेते हैं तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण 3-3 वैलिड नहीं रहते हैं, परंतु समीकरण एक और चार की तुलना करने से यह ज्ञात होता है कि वाई डैश बराबर वाई के और जेड डैश बराबर जेड के होता है। समीकरण चार में अतिरिक्त टर्म जो ये आई है माइनस टू एक्स वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, यह व्यक्त करता है कि x तथा t के रूपांतरण इस प्रकार होने चाहिए कि अतिरिक्त पद समीकरण से विलुप्त हो जाए। अतः मान लीजिए किसी समान घटना के लिए रैखिक रूपांतरण निम्न प्रकार से है। कैसे माना? x डैश कैसे वेरी कर रहा है? हमने कहा अब वो रिलेशन तो वैलिड नहीं हुआ गैलीलियन वाला रूपांतरण, तो हमने कहा x डैश जो है वो x और t के साथ इस तरह से रिलेटेड है, अल्फा x प्लस बीटा t, y डैश बराबर y के, z डैश बराबर z के और t डैश बराबर गामा x प्लस डेल्टा t के। ये इक्वेशन 5 के द्वारा दिया जा रहा है। s डैश की गति x दिशा में है, अतः y और z कोऑर्डिनेट अपरिवर्तित रहेंगे। धन्यवाद।